बुद्धदेव भगवान की जय। योग योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मूलकेश्वर भगवान, सभी के प्राणाधार देवदास भगवान जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी के कृपा करुणा आशीर्वाद से आत्म ज्ञान के ऊपर सत्संग करते हैं, क्योंकि आत्म ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जिसको आत्म ज्ञान हो गया, समझो कि उसका ये मनु जन्म सफल हो गया, भवसागर से पार हो गया। आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आइए महाराज जी के द्वारा बताए कुछ अनमोल वचनों को हम उन पर प्रकाश डालें, उन वचनों पर सत्संग करें। कल जो लास्ट अनमोल वचन ये था कि यह जीवन हमें कर्म करके बिताना है, इस जीवन में कर्म ही प्रधान है। ये अनमोल जीवन मनुष्य को कर्म करने के लिए मिला है। जो कर्म छोड़कर आलस प्रमाद करता है, वह जीवन में किसी कार्य में भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। यह अवश्य है, कर्म आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा अनासक्त है, आत्मा वैराग्यवान है, आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशमान है। आत्मा को इस तन से या इस दाजबार पदार्थों से कोई मतलब नहीं। आत्मा कर्म में लिप्त भी नहीं होता, परंतु बड़ी परमाते कि गरम गरम करे, कैसा कर्म? निष्काम कर्म। तो हमारे आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता का पर्दा पड़ा रहता है, वो तो पर्दा साफ हो जाता है, पर्दा फट जाता है। कैसे? क्योंकि कर्म करने से हमारे जन्मों के संस्कार दग्ध होते हैं। जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के संस्कार के कारण आत्मा दबी रहती है। जब तक इन संस्कारों को ना काटा जाए, तब तक आत्मा को अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। वह जीवात्मा पे भटकती है। जिस समय आत्मा को अपने सत्स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उस समय आत्मा वह जीवात्मा परम पद यानी कि मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। वही आत्मा अपना कल्याण करते हुए संसार के दुखियों को दुखियों का कल्याण करती है और संसारिक लोगों को परमात्मा के पद पर आगे ले जाती है। यही महापुरुष सद्गुरु भगवान ये दिव्य आत्मा है, अपने स्वरूप में स्थित है और अपनी इच्छा से इन्होंने धरचोला लिया। धरचोला में आकर लीलाएं करी, अलौकिक लीलाएं करी और जो जो संकल्प लेके आए थे वो अपने कार्य करके अपने लोक को गमन कर गए और हमें ज्ञान दे गए, साधना सिखला गए और जीने की कला सिखला गए। अब जीने जीना हमने कर्म के ऊपर प्रकाश डालते हुए महाराज जी फरमाते कि कर्म कैसा कर्म करना चाहिए? कर्म करना चाहिए निष्काम भावना से, इच्छा रही, बल्कि इच्छा को त्यागते हुए आसक्ति के बिना कर्म करना चाहिए। हर कर्म को जीवन में अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए। अगर कर्म में आसक्ति रखेंगे तो वह कर्म कर्म नहीं माना जाएगा, वह कामना सहित कर्म माना जाएगा। उस कर्म से तो जीव और बंधन फंस जाता है। चाहे सेवा ही हो
कहते गुरु दरबार की सेवा से जीव के जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार धुल जाते हैं और जीव का अंतकरण धुलता है, वह पवित्र होता चला जाता है, परमार्थ के पथ पर बहुत आसानी से अग्रसर होता है। उसमें भी महाराज जी फरमाते हैं कि सेवा में भी आपको आसक्ति नहीं रखना, ना कोई कामना रखनी है कि मैं तन मन तन से मन से धन से सेवा करूं तो मेरे को ये फल मिल जाए। वो तो देवी देवता के सामने ऐसे संकल्प रखा जाता है, देवी देवता को आगे जब तक आप संकल्प रखते हुए कुछ उनके उनको भेंट नहीं करते तब तक वो आपकी प्रार्थना का स्वीकार नहीं करते। पर गुरुदेव फरमाते हैं आपने कुछ भी कर्म करना है तन से मन से धन से किसी प्रकार की, उस कर्म में तो आसक्ति नहीं रखना और उस कर्म को करते हुए उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी, तब आप कर्म योगी कहलाओगे। कर्म योगी हमेशा इच्छा रही आसक्ति रही निष्काम कर्म करता है। सेवा भी कहते कर्तव्य, अपने कर्तव्य समझ के करो। सेवा में भी आसक्ति रखोगे कर्म फल की इच्छा रखोगे तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। अगर आपने किसी कामना के साथ सेवा करी आपकी वो कामना पूर्ण नहीं हुई तो आपकी श्रद्धा में फर्क पड़ जाएगा, आपको क्रोध आ जाएगा, आपकी आस्था विश्वास कम हो जाएगी। इसीलिए कर्म करते हुए आपने बिल्कुल उसको अपनी कर्तव्य समझते ड्यूटी समझते हुए उस कर्म को करो, तब उस कर्म का बहुत महान फल है। फिर याद रखना इन कर्मों से आत्मा का कोई लेना देना नहीं, केवल कर्म इसलिए करना है कि आत्मा के ऊपर पड़े आवरण का पर्दा समाप्त हो जाए। अगला आज का सत्संग आरंभ होता है मन के साथ। महाराज ने बहुत सुंदर वाणी कही, मनः मोक्षयः बंधनयः कारणम्। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही जीव को परमात्मा से दूर करता है शत्रु बनके, मन ही मित्र बनकर जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। मन के ऊपर प्रकाश डालते हुए पतंजलि ऋषि ने योग की परिभाषा कही। पतंजलि ऋषि के अनुसार योग क्या है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों को निरोध कर लो। मन क्या है, चित्त से निकली हुई ये वृत्तियां, वृत्तियों के समूह को मन कहते हैं। इन वृत्तियों को आप निरोध कर लो, कंट्रोल कर लो, रोक लो, इसी का नाम योग है। क्योंकि हर एक मानव के चित्त चित आती है चित्ती शक्ति, चित्ती आत्मा, आत्मा से ये चित्त निकलता है। चित्त में बहुत विचार 24 घंटे हजारों लाखों करोड़ों विचार निकलते रहते हैं, ये मानव के वश का नहीं होता। इन वृत्तियों को अगर आप किसी भी संसारिक वस्तु में फंसा लेते हो प्राप्ति तो हो जाती है परंतु उस प्राप्ति का फल उसका अंत दुख होता है। चित्त से वृत्तियां आती हैं निकलती हैं, वृत्तियां आपकी इंद्रियों को लेकर उन इंद्रियों के विषयों को भोगती है। उस भोग में भोग के समय जीव सोचता है मैं बहुत सुखी हूं, आनंद और सुख मेरे अधीन है, अपनी इच्छा से आंखों का भोग कानों का भोग जुबान का भोग प्रत्येक इंद्रियों का मैं भोग कर रहा हूं, यानी कि ये भोग या आनंद मेरा अधीन है। परंतु अंत में वह देखता है भोग उसे भोग लेते हैं। ग्रंथों ने कहा भोगो ना भुगता वे में भुगता, तपो ना तपता वे में तपता, कानो ना या तो वे में या तो, कृष्णा ना जीना है मैं जीना।
कहता है मनुष्य वो क्या भोगेगा, भोग उसे भोग लेता है, मृत्यु से ग्रस्त लेता है। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर वाणी कही, तुम इंद्रिया तुम्हें छोड़े, इससे पहले तुम इंद्रियों को छोड़ो, त्याग दो। यानी कि अगर हम आंखों के वश में है, आंख से संसार के सब दृश्य का भोग करते हैं, एक वक्त आता है हमारी आंखें खराब हो जाती है, मोती आ जाता है, कमजोर हो जाती है, दृष्टि कहां क्षीण हो जाती है। तो कहते हैं कि तुम ये आंख तुम्हें छोड़े, इससे पहले तुम आंखों को छोड़, इसका मतलब तुम चाटक करके अपनी दृष्टि को ऊपर उठा लो, दृष्टि को अपने आंखों को अपने कंट्रोल में ले आओ। इसी प्रकार कान, जीवा, स्पर्श, ये सभी विषय के जो भोग है, विषय इंद्रिया तुम्हें छोड़े, उसके पहले तुम इंद्रियों को त्याग दो। जवान को कंट्रोल करने के लिए गुरु ने क्षेत्रीय मुद्रा बताई, आंखों के कंट्रोल के लिए नाटक बताई, कान के कंट्रोल के लिए जन्म की मुद्रा बताया। इसी प्रकार प्राणों का कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि प्राण जब जिस चीज में फंस जाता है ना, मन उसे के पीछे पीछे दौड़ता है। मन और प्राण दोनों मिलकर संसारी के विषय भोगों को भूलते हैं। तो प्राणायाम के द्वारा प्राणों को कंट्रोल करो, मन को प्राणों में लय कर दो, मन भी कंट्रोल हो जाएगा। यत्र प्राण लियते तत्र मन लियते, यत्र मन लियते तत्र प्राण लियते। जहां मन प्राण एक दूसरे में लय हो जाते हैं, तब आपकी आत्मा में चमक आती है, आपकी आत्मा उसमें जाग जाती है और अपने स्वरूप को प्राप्त करके वो आनंद विभोर हो जाती है, पर आप उस आनंद को अद्भुत करते हो। तो इस मन को जीतने के लिए गुरु ने, पतंजलि ऋषि ने परिभाषा लगाई, योगाश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति को निरोध कर लो, उनको बाहर मत जाने दो, उनको संसारिक नाशवान पदार्थों के प्रति आसक्त मत होने दो, वृत्तियों को अंदर ले जाओ, प्राणों को लंबा चलाओ, श्वास बढ़ते रोकते छोड़ते हुए अपने पांव के नाखून से लेकर शून्य चक्र तक ध्यान लगाओ, प्राणों को अंदर रखो और ध्यान को अपने शरीर के एक एक इंद्र पर, मन को कंट्रोल करो, एकाग्रित करो और श्वास भरते रोकते छोड़ते हुए गुरु मंत्र का जाप करो। पक्की बात, गारंटेड बात है, ध्यान लग जाएगा, मतलब ही नहीं ना लगे। सिर्फ कमी आती है हमारे प्राणायाम के अभ्यास में, यानी कि दीर्घ गति श्वास रे रोके छोड़े, श्वासों में जाप चलता रहे, ध्यान आपके शरीर के पांव के नाखून से लेकर शून्य चक्र तक श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर जाओ, श्वास छोड़ते ऊपर से लेके नीचे अपने एक एक तरफ ध्यान लगाओ, आपको अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है, जिले मैं आत्मा हूँ। और जब आप अपने चिदाकाश पे अपना दृष्टि को स्थिर करते हो, आपको अपनी आत्मा का बहुत विशाल जो प्रकाशमान स्वरूप के दर्शन होते हैं, वो दर्शन पाते ही आपके अंदर की अपने आप ही अज्ञान तक अंधकार मिट जाता है। हम सोचते हैं कि ये चीजें बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, इतना आसान है जितना आसान एक गिलास पानी पीने में, पर थोड़ा तरीका आना चाहिए, थोड़ी सच्ची लगन आना चाहिए, थोड़ा सा अंतकरण की शुद्धि और मन की एकाग्रता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सदगुरु की रहमत, की कृपा। जैसे एक माँ बच्चे पर हर पल दया दृष्टि रखती है, मोहब्बत प्यार की दृष्टि रखती है, वो तो शरीर का संबंध है, उसी प्रकार सदगुरु भगवान अपने शिष्य के प्रति एक ममता,
और मोहब्बत रखते हैं, परंतु वह होते आत्मिक। सदगुरु अपने शिष्य को अपनी ही आत्मा मानते हैं, माँ बच्चे को अपने शरीर का अंश मानती है जो नाशवान। शरीर छूटने के बाद माँ और बच्चे का संबंध भी टूट जाता है, परंतु गुरु अपने शिष्य को एक आत्मा का संबंध मानते हैं। आत्मा के कनेक्टिविटी के साथ गुरु और शिष्य का नाता जुड़ा रहता है, वह नाता अजर अमर होता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, आत्मा का संबंध भी अजर अमर है। तभी कहते हैं कि गुरु के साथ जो हम प्रेम रखते हैं, विश्वास श्रद्धा आस्था रखते हैं, उनकी यादों में रहते हैं, उनके चरणों से मोहब्बत करते हैं, ये जो गुरु के आत्म स्वरूप के प्रति जो प्रेम हमारा मोहब्बत है, ये अजर है अमर है, यही गुरु भक्ति। जब हम उनके चरणों से प्रेम होगा तो बहुत एक नेचुरल बात है कि हम इनकी आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे, इनकी उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, इनके एक एक अनुभूतियों को वर्णन करेंगे, जो वाणी गुरु बोल गए उन वाणियों को हम अपने अंदर महसूस करेंगे, अनुभूत करेंगे, और अपने जीवन को उसी ढाल में डाल देंगे। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, अभी जैसे हनुमंता जी को फोन करा मैंने अभी एक महीना पहले कि हमारी टिकटें हो गई है साउथ इंडिया की, हम लोग प्रभु कृपा से 25 लोग जा रहे हैं 24 तारीख को और 24 दिसंबर को, और 16 जने को वापिस आ जाएंगे। बहुत खुश हुए, कहते हैं पूरे मिशन में मुझे नजर आता है कि तुम ही हो जो महाराज जी की परंपराओं को आगे ले जा रहे हो, हमारे के कार्यों को अभी तक निभा रहे हो, उनको आगे ले जा रहे हो, और महाराज जी के भक्तों को जोड़ के रखते हो, इसलिए हर जगह तुम भ्रमण करती रहती हो, इधर जा उधर जा, इधर का ये कर वो कर। मैं देखती थी गुरुदेव भी रामनवमी के पहले सारे आश्रमों को चक्कर लगाते थे, सब भक्तों को बुला कहते थे पहुंचो रामनवमी पे, भगत कैसे नहीं आएंगे। तो इसीलिए किसी को जोड़ने के लिए उसके प्रति कुछ समर्पण भी रखना चाहिए, ऐसे कोई नहीं जुड़ता। यही कारण था कि अगर संडे को राजपुरा जाना हुआ, अब सैटरडे संडे को माधोपुर का प्रोग्राम है, जाना पड़ेगा, जाए भी ना भक्तों कैसे जुड़ूंगी, अपने आप में रहूंगी, अपने मस्त रहूंगी, भगत है थोड़ी जुड़ेंगे, भगत तो मस्त रहता है, उनको खींचना पड़ता है। महाराज जी फरमाते थे हम कैचे सतलोक को चपरा बांधे यमपुर जाए, कहते भक्तों को मैं सतलोक की तरह खींचता हूँ, चपरा बांध के वो यमपुर की तरफ जाना चाहते हैं। भगत तो संसार में भ्रमण करके बहुत खुश है, क्योंकि संसारिक सुख भुख पाना बहुत ईजी है, परमार्थिक आनंद और सुख पाना के लिए त्याग किए तब चाहिए, वो कोई करने को राजी नहीं है, वो तो करना ही नहीं चाहता, मेहनत करना ही नहीं चाहता, बाकी बगैर रोटी आ जाए खा ले छुट्टी, ना कोई आटा गूंदना चाहता है, ना अंगीठी जलाना चाहता है, ना सब्जी बनाना चाहता है, बाकी बगैर रोटी मिले खा ले। गुरु तो रोटी पका पू के देते हमें, पर हम खाने को भी तैयार नहीं है। तो मुलाका जी फरमा देते मेरे भगत इतने अच्छे हैं, मैंने उनको उनके आगे कृपा के बेर भी खेत देता हूँ, तो बेर उठा के खाने को तैयार नहीं, फिर तो मुझे बेर उठा के जबरदस्त के मुंह में डालना पड़ता है, ये गुरु करते हैं। इसीलिए संसारी पर जो भगत लोग हैं छोड़ने के लिए इनके बीच में विचरण करना पड़ता है, इनको प्यार देना पड़ता है, स्नेह देना पड़ता है, इनकी मुसीबतें सुननी पड़ती है, जब कष्ट में आते हैं उनके लिए गुरुदेव को प्रार्थना करना पड़ता है। आप किसी के लिए कुछ करोगे तो कोई आपके लिए करेगा, ऐसे ये तो कलयुग है, कोई किसी के लिए नहीं करने को तैयार है, टेक एंड गिव वाला सदा यहाँ चलता है, दोगे तो पाओगे। हरे परमाते देखे तुम जो चाहते हो ना उससे वही चीज दो, तुम प्यार चाहते हो प्यार तो सबको अच्छा लगता है, प्यार चाहते हो तो प्यार दो, इज्जत चाहते हो इज्जत दो, सेवा अपनी चाहते हो तो दूसरों की सेवा करो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी को
कठोर व्यवहार दो और अगले से तुम प्यार मान सम्मान एक्सपेक्ट करो, ऐसा नहीं होता। कहते तुम आम का बीज बोते हो, नहीं क्या कहते हैं वो नीम का बीज बोते हो और तुम सोचते आम का पेड़ निकल आए, मीठा फल निकल खाए। कहते नीम के पेड़ से बबूल, बबूल का पेड़, कहते बबूल के पेड़ तो बबूल ही उगेगा, आम खाना चाहते तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बीजो बीजते वही खाते हो वही मिलता है। तो चल रहे थे हम लोग मन के ऊपर, तो मन को अगर आप मित्र बनाना चाहते हो इस मन के ऊपर आपको सेव करना पड़ेगा, इस मन को जीतना पड़ेगा। एक कवि ने गाया, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। यानी कि मेरे को इतनी शक्ति दो भगवान कि मैं अपने मन की जो पर काबू पा लूं, मन को जीत लूं, ताकि दूसरों की मन को मैं जीत सकूं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए गए। एक बार रविंद्र टैगोर, वो तो बहुत बाल्यकाल से बहुत विदुषी थे, इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा थे, लाखों करोड़ों ने कविताएं लिखी और उनको पूरे वर्ल्ड में नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्र टैगोर को बहुत मेधावी थे, बचपन में पहली क्लास में फेल हो गए और बस घर वाले ने कह रहे तू फेल हो गया। कहते फेल तो नहीं हुआ मैं, वो कैसे तेरे नंबर? कहते वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में फेल हुआ ना, मन से तो फेल नहीं हुआ मैं, मन से तो मैं पास हूं। कहते ये जो कागजी किताब पढ़ाई में जो नंबर है ये, इससे थोड़ी इंसान फेल पास होता है। वो तो सोते की तरह रट के एग्जाम में लिख दो और नंबर मिल जाते हैं। कहते असली पढ़ाई तो मन की पढ़ाई है, जिंदगी की पढ़ाई है। असली पढ़ाई क्या है? मन को सबल करना, मन के ऊपर विजय पाना। छोटी सी मन में वो कहता है मैं तो मन से बहुत कंफ्यूज हूँ, मन से तो मैं पास हूँ, मन से पास हूँ तो मैं पास हूँ, मास्टर के नंबर थोड़ी। कहते मैं जिंदगी में फेल थोड़ी हुआ हूँ, जिंदगी में तो फेल नहीं हुआ। तो ऐसे एक आत्मविश्वास बाल्यकाल से भी इंसान के अंदर दृढ़ होना चाहिए। जिंदगी में हमेशा कोई भी घटना घटी तो हमने उसकी धनात्मक पहलू को देखना है। जिंदगी के हर पड़ाव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें होती हैं। हर इंसिडेंट में, जिंदगी के हर पॉइंट में इंसान के साथ जो घटना घटित होती है, उन घटनाओं का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। तो जिनका आत्मविश्वास पक्का है, जो सबल है, जिनका मन स्ट्रांग है, जिनका आत्मा स्ट्रांग है, वो उस दोनों पहलू में से धनात्मक पहलू को ले लेते हैं और कभी हारते नहीं जिंदगी। तो कहते महाराज जी फरमाते हार जीत इंसान की अपनी खुद के हाथ में होती है। अपना आत्मविश्वास आत्मबल को इतना बढ़ा लो कि तुम्हारा आत्मा कभी हीरे ही ना, इसका मतलब तुम जिंदगी में कभी ना हारो। तो आइए जो तो रही मन की बात, भाई फरमाते मन रूपी बैरी के ऊपर विजय प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य। इसके आगे चलते हैं, उसका है जो होता है आगे हैं। संसार में हम रहकर किसी के प्रति कई बार हमारे अंदर घृणा भाव आ जाती है। कब आती है? जब जब हमारे अंदर अहंकार जागता है,
अहम के कारण हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, किसी के प्रति घृणा करने लगते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमारे विचार नीच हो जाते हैं। किसी के प्रति भी नीच विचार करके हम घृणा करने लगते हैं, और हमारे हम किसी के प्रति कुकर्म भी करते हैं। तो यदि कोई घृणा का पात्र है तो बस वे केवल हमारा अपना कुविचार और कुकर्म है। कहते हैं संसार में किसी के प्रति घृणा मत करो, घृणा किसके प्रति करो, अपने कुविचार और कुकर्म। हम किसी के प्रति किसी को डाउन करने के लिए कोई भी गलत कर्म कर बैठते हैं, दूसरे प्रति द्वेष करके हमारे अंदर गलत विचार पैदा हो जाते हैं, किसी के प्रति इसका हानि करने के लिए हम गलत कर्म कर बैठते हैं। कहते घृणा उससे करो, इंसान से मत करो, क्योंकि इंसान तो दया का पात्र है, उसके अंदर कौन बैठा है? तुम्हारी आत्मा बैठी। अपनी आत्मा से कुछ घृणा करोगे? जब आप अगले को अपनी आत्मा मान लोगे, घृणा खत्म हो जाएगी आपके अंदर। चाहे कोई शत्रु क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, उसे भी घृणा मत करो। उसके लिए ये सोचते दया करो, इसको अच्छाई और बुराई का के अंदर बोध नहीं है, ज्ञान नहीं, इसको नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए ये किसी को दुख देने में कतराता नहीं। ऐसे पर दया करो और प्रभु जी से प्रार्थना करो, ये प्रभु इसको सद्बुद्धि दो। कल ही मेरे को किसी भगत ने प्रार्थना की कि हमारे घर में थोड़ा टेंशन है, तो कहते हम चाहते कि जो टेंशन का पॉइंट है वो पॉइंट ही हमारे घर से चला जाए। आप प्रार्थना करो, मैं सचमुच बताऊं मेरे अंदर से ये प्रार्थना निकली है। क्या प्रार्थना निकली? ये प्रभु जो टेंशन पॉइंट क्रिएटर है उसे ऐसी बुद्धि दो कि उसके वो टेंशन देना बंद कर दे, उसको सद्बुद्धि दो। जब किसी के अंदर कुबुद्धि आ जाती है वही दूसरे को टेंशन देता है। दुर्योधन के अंदर पांडवों के लिए कुबुद्धि आ गई और उसने पांडवों को एक रत्ती एक इंच भी जमीन देने के लिए माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा भाई उनको पांचों को इतना सा टुकड़ा दे दे, खूब ज्यादा तू ले ले। दुर्योधन कहता नहीं, इतना टुकड़ा तो क्या, कहते एक गांव दे दे उनको, अपने मौज मारेंगे, तू सारे ले ले। कहते ना, एक गांव की तो क्या बात है, मैं जमीन भी नहीं दूंगा, ये कुविचार है उसकी। तो कुविचारों से इंसान दूसरे को दुख देता, टेंशन देता है। मेरे मन से यही निकला, हे प्रभु वो टेंशन पॉइंट को सद्बुद्धि दे दो। तो मेरे प्रति भी कोई गलत विचार रखता है, मैं एक ही बात कहती हूँ, प्रभु इसको अच्छाई बुराई की कोई समझ नहीं है, इसकी बुद्धि शुद्ध करो। अगले दिन वो शुद्ध बुद्धि लेके आ जाता मेरे सामने कि मेरे साथ गिरती बात। इसीलिए कहते हैं कि पापी से घृणा मत करो। महात्मा गांधी ने खूब नारा लगाया, पापी से घृणा मत करो, उसके पाप से घृणा ना करो। गलत कर्म है से घृणा करो, गलत कर्म अगर हमसे भी होता है तो उससे घृणा करो, गलत विचारों से घृणा करो। जब गलत विचार हमारे अंदर है उससे घृणा करो। भगवान की सृष्टि में जितने भी जीव है किसी के प्रति घृणा ना करो, चाहे वो अमीर है
गरीब है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है तो परमात्मा का अंश है ना, जिसके अंश हम है, जो हमारे साथ कनेक्टेड है, वो सभी लोग तो उससे कनेक्टेड है। एक माँ का है, चार पुत्र है, चारों का अलग अलग स्वभाव है, तो तुम चारों में से एक से तो प्यार करो, एक से घृणा करो, या माँ का आत्मा खुश रहेगा नहीं रहेगा? माँ के लिए चारों बराबर है। कहता ना, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। तो वहां तो करोड़ों माताओं के माता है। भगवान गुरु के लिए कहा जाता है, पिता से माता सौ गुना करे सूत से प्यार। बच्चे तो माँ बाप के दोनों के ही होते हैं, परंतु माँ को बच्चों से पिता से ज्यादा मोहब्बत होती है, क्योंकि रात माँ जागती है बच्चे के लिए, पिता नहीं जागता। कमरा छोड़ के चला जाएगा, तू संभाल आप पे, मेरे बासा नहीं आगा। पिता से माता सौ गुना करे सूत से प्यार, माता से हरी सौ गुना, हरि से गुरु सौ बार। अब आप सोचो कि गुरु बच्चों से कितना प्यार करते हैं। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, दूसरों से अगर दूसरे में पाप हो तो भी वह बिना का पाप नहीं पात्र नहीं है, क्योंकि जब तक अपने में पाप है तब तक हम उसे बिना ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे विचार अगर पापी है तो हम पापी हैं, हमारे कर्म कुकर्म है हम कुकर्मी है। जब खुद ही पापी है, खुद ही कुकर्मी है, दूसरों से घृणा कैसे कर सकते हैं? खुद ही तो हम वैसे ही है। कभी ने क्या कहा, कबीरा बुरा देखन में गए बुरा मिले ना कोई, जहां में खोजो अपने आप दूसरे बुरा ना कोई। कहता है कि जो जीव अपनी कमियों को देखता है वही अपनी सुधार कर सकता है, जो अपनी कमियों को नहीं देखेगा अपनी सुधार नहीं कर सकता। तो जो अपनी सुधार कर लेता है भगवान की रहमत उस पर बरसती। कहता ना कि खुद को कर बुलंद, खुद को इतनी ऊंचाई में ले गया, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे रजा क्या है, और मिटा दे अपनी हस्ती को। गुरुदेव को बड़े पैट चाहिए, जो है मिटा दे अपनी हस्ती को, घर मर्तवा चाहे। अगर तुम ऊंचाई में चढ़ना चाहते हो अभी मैं को मिटा दो, मेरी को मिटा दो, मिटा दे अपनी हस्ती को, घर मर्तवा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। दाना से अगर आप फूल खिलाना चाहते हो पहले क्या करोगे, दाना को मिट्टी में मिलाना होगा। परसों पहले दिन किसी का फोन आया भगत का, किसी से कहते हैं कि मुझे ना बड़ा दुख होता है कि आप गद्दी पे क्यों नहीं बैठते हो। गद्दी पे, गद्दी तो भगवान की है। कहते नहीं, हमें आशीर्वाद देने के लिए हम आपको गद्दी में देखना चाहते हैं। आपको गद्दी देता, गद्दी साइड कर देते हो, हमको बहुत दुख होता है। मेरे को देखो, ये भौतिक चीजों में बैठ कर इसकी महानता काउंट होती है क्या? गद्दी क्या है, एक रुई का पीछे तो है, उसे बैठने से मैं महान बन जाऊंगी? मेरे को देखो, कहते नहीं, आपने सारा जीवन दिया, जिंदगी के पूरे 55 वर्ष आपने गुरु की सेवा में लगा दी, आपसे क्या समान काबिल कौन हो सकता है? गद्दी की देखो, भारी गद्दी में तो लोग सोने के सिंहासन में बैठते हैं, दुनिया उनके पैर छूती है, उनके राहों में नहीं बिछाती है, फिर भी उनसे ऐसे कर्म हो जाते हैं उनको जेल जाना पड़ता है। वो गद्दी
गद्दी नहीं है जो गद्दी हिल जाए, ये हमारे गुरुओं की गद्दी, हमारे मिशन में रामलाल टो जी की गद्दी है, कुलकेश्वर भगवान की गद्दी है, देवदत्त भगवान की गद्दी है। मैंने कहा उन गद्दियों में श्रद्धा से मत्था टेको, पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और मनोकामना पूर्ण। जहां तक आप मेरे को कह रहे हो, मैंने कहा बिना गद्दी के ही मेरे को भक्तों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत आदर मान मिलता है, और मैं भी भक्तों से बहुत प्रेम करती हूँ। भक्तों के दिलों में मैं महसूस करती हूँ प्रभु जी ने मेरा तिल मात्र स्थान बताया हुआ है। मैं क्या बताओ, किसी भगत का दिल को जीतना ये गद्दी से ऊपर की बात नहीं है, बंदा मौन हो गया। मैंने कहा गद्दी के मालिक राम भुलक व्यास भगवान है। हमारा कर्तव्य है भक्तों को इन चरणों के साथ जोड़ना, इन तीनों स्वरूपों को भक्तों के दिल में बैठाना। अगर ये सेवा मैं सफल हो गई तब मेरा जीवन जन्म सफल है। अगर मेरे गुरु के प्रति मैं इसके अंदर भक्ति पैदा कर सकूं, वो विश्वास करे कि महाश्री के गुरु भगवान है, अगर मैं ऐसा सिद्ध कर दूं मेरे गुरु भगवान है, तब मेरा असली जन्म जीवन सफल है, तब मैं समझूंगी कि मैं इनकी असली शिष्य। शिष्य कौन होते हैं? शिष्य गुरु नहीं होते, शिष्य शिष्य दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शिष्य का मतलब मस्तक को गुरु को दे दो और आखिरी श्वास तक गुरु से सीख लेते रहो, शिक्षा लेते रहो, प्राप्त करते रहो। कहते मैं तो आपका जवाब सुनकर धन धन हो गया। मैंने कहा गद्दी में एक कोई भौतिक शरीर को मत मानो, वो तो नाशपन है, आज है कल नहीं है। आप किसी भी भौतिक शरीर से अटैच हो गए, शरीर चला जाएगा, आप पीटोगे, बिलकोगे, रोगे। गुरु गद्दी जो है वो एक अमर अजर अमर पावरफुल ताकत है, ताकत कभी नहीं खत्म होती। आपके अंदर श्रद्धा आस्था विश्वास धैर्य चार चीज होने चाहिए। धीरे धीरे चल रहे मन, धीरे धीरे चल, और नीवा होके चल रहे मना, नीवा होके चल, नीवियानु रब मिलता फल मिलता। नीवा कौन होता है? जो अपना शीश को चरणों में भेंट चढ़ा देता है। फिर गुरु की पावर उस शिष्य के अंदर वर्क करती है, शिष्य को माध्यम बना के गुरु खुद कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए अभी वचन मैंने बताया कि हमारा जीवन कर्म प्रधान है, कर्ममय, परंतु आत्मा कर्म से मुक्त है। आत्मा कर्म में नहीं बनती, आत्मा कर्म नहीं करती, आत्मा तो निष्ठा बन के मानव शरीर के अंदर विराजमान है। कर्म जब मानव करता है आत्मा के ऊपर पड़े अज्ञानता मिल जाता है, इसलिए कर्म करना है। गुरुदेव हमें सेवा क्यों बचते रहे, आज भी क्यों बनवाते सेवा, आज भी क्यों कहते हैं कि सेवा करो? सेवा करने से मन नम्र होता है, सेवा करने से अंतकरण शुद्ध होता है, सेवा करने से अंतकरण में राग द्वेष काम क्रोध झूठ कपट निंदा लोभ मोह अहंकार कुछ नहीं आता सेवा करने से। सेवा भी कैसी सेवा? आजकल के लोग कहते हैं कि पद दो तो सेवा करेंगे। पिछले दिनों में किसी को एक दो पदों से हटा दिया, वो कहता है मैं सेवा त्यागता हूँ। अच्छा जी, पद के लिए सेवा करते हो, पद
मिलेगा तो सेवा करोगे। मैंने कहा मैं हरिद्वार की सेवा में सन 1972 से लगी हुई हूँ। आज कितने साल हो गए, 2022-23 आने वाला है, हैं? मैं जैसे करनाल आश्रम की सेवा करती हूँ, कुरुक्षेत्र से करती हूँ, दिलो जान से मैं हरिद्वार की सेवा कर, मुझे वहां पद मिल रहा है क्या? मैं तो वहां की ट्रस्टी भी नहीं हूँ, कुछ नहीं, वहां तो जड़ वाली हूँ सेवक, तो मुझे वहां की सेवा करके गुरु जी का कौन सा आशीर्वाद, कौन सा प्रसन्नता नहीं मिलती, ये भक्तों का कौन सा प्यार नहीं मिलता, भक्त कौन सी इज्जत मान मुझे नहीं मिलती। मैं सोचे तो मेरी अभी राजपुरा जाना हुआ मंगलवार को, तो बड़े बड़े सोफे लगे हुए हैं, वहां के वीआईपी लोग आए बैठे, मुझे भक्तों ने कहा बहन जी आप सोफे में बैठो। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, धरती माँ की गोद है ना, इस गोद से बढ़कर कौन सी स्टेज होगी मेरे लिए। कहते नहीं नहीं आप, मैं चलो ज्यादा करो के वो हमन सामग्री मेरे गिरे पड़े थे, व्हाइट कपड़े है ना, मैं कह व्हाइट कपड़े में ये चिपक जाएगी सामग्री, व्हाइट कपड़े जल्दी दागी हो जाते हैं, मैं कह चादर से बिछा दो ताकि मेरे कपड़े ना खराब हो, चादर बिछा के पूछा ताद में बैठ गई, बैठ के क्या नजारा मिला मुझे, प्रभु जी का इतना सुंदर स्वरूप है गुरुदेव, और एक बीच में तीनों चारों स्वरूप मुस्कुरा रहे हैं, मैंने देखा अद्भुत किया, मैं देखे जाऊं मुस्कुरा रहे, साक्षात मुझे दर्शन हुआ, इतना आनंद आया मैं बता नहीं सकती। और उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा करे जा रहे हैं, बहन जी ये है, बहन जी ये है, बहन जी ने ये क्या, बहन जी मिशन की हेड है, मिशन को जोड़ रखा है, चला रही है, ये है गुरुदेव की सेवा करी। मैंने कहा अरे मैं तो अभी गुरु की प्रशंसा करने आई हूँ, उनकी प्रशंसा सुनने आई हूँ, ये बोले जा रहे हो, तो ये चीज कौन करवाता है, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करा। गुरुदेव अपने आप जब सृष्टि के अंतकरण की शुद्धि को देखते हैं, भाई इसके अंदर अहंकार का कुछ तो मर गया, फिर गुरु कृपा बढ़ सकते हैं, फिर गुरु जहां मर्जी ले जाता है, फिर शिष्य का कुछ नहीं करता, कहते ना कच्चा गाढ़ा जल्दी फट जाता है, तो जब तक शिष्य कच्चा रहता है गुरु उसको धारते रहते हैं, ठोकते रहते हैं, पक्का बनाते हैं, पक्का बनाने के बाद फिर यूं सूखते हैं, जा बिकने को तैयार होगी, अगला जो खरीदने वाला खड़ेगा टक टक करेगा, ठोकरे मारेगा कहीं क्रैक तो नहीं है, फिर खरीदा लेके जाएगा उसका, ये गुरु का काम है, गुरु कुमार है, शीश घटता है, गुरु घटता रहता है, शीश घटवाता रहता है, वो शीश है। तो कहने का मतलब कि ये थोड़ी कि तुमको पद मिल जाएगा तो तुम सेवा करोगे, पद में सेवा नहीं करोगे, भगवान कहते हैं पद पूजो है ना, ये सब अहंकार का सौदा है, इसको पद दे दोगे अहंकार आ जाएगा, मैं तो ये, और अहंकार आते ही उससे गलत काम हो जाते हैं, पाप कर्म, वो किसी को अपशब्द कहने में कतराता नहीं है। इसीलिए महाराज जी ने जैसे ना वहां मैं भाई चले बैठी थी, कोई यूनिवर्सिटी से आया, तो मैं लेक्चरर थी यूनिवर्सिटी में, उसने महाराज के सामने मेरे को डॉक्टर साहब करके ने संबोधित करा, डॉक्टर साहब के मैं तो कांप गई, पागल आदमी है ये, गुरु के साथ मुझे डॉक्टर साहब कह रहा है, तो चला गया बंदा, फिर महाराज कहते बहन जी तेरा गुरु जानी जाना है, तो हर पल अपने शिष्य के जिस चीज को उन्होंने बनाना चाहे बनाना है, उन्होंने उनके मन में संकल्प बताया इस चीज को मैंने घड़ना है, उसके तरफ विशेष ध्यान देते हैं, उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कहीं अहंकार ना आ जाए, तो इधर कहते हैं बड़ी डॉक्टर बनी फिरती है, नहीं महाराज जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर तो मन में सोचा डॉक्टर के डॉक्टर तो आप हो, मैं नहीं हूँ, बोला नहीं जाता है, क्या सोचते है मैं डॉक्टर में नहीं फिरती है, ये तो तुझे पता है, मैं कहा महाराज जी, महाराज जी कहते थे जो कहूँ ना सतभजन कहा कर, 8 बजे ना कहा कर, हाँ महाराज जी तुझे पता है कुछ, मैं कहा महाराज जी नहीं जी, कहते हैं जहाँ से तुमने डॉक्टरी करी ना है? जिस यूनिवर्सिटी से तुमने डॉक्टरी करी उसका नीम पत्र पता किसे लगाया था, मैंने मन में सोचा आप जी ने, तो बोली नहीं, बोला नहीं क्या, कहते वहां का नीम पत्र दयाला ने लगाया था,
तो ऐसे गुरु शिष्य को ऐसे करते हैं। एक बार यामत राय तत्व महाराज जी के, वह हांसी के रहने वाले थे, तो उनके ना में बाढ़ आ गई, हांसी में बाढ़ आ गई। तो मुखर्जी ने कहा कि जा नियामत, जब पहुंच जा घर का दूध दूध लेके आ, पर लेके आ घर का। हाँ महाराज जी, नियामत राय चले गए, हंसी गए, जाके देखा घर घर का व्यवस्था करा, सब कुछ ठीक है। दो चार दिन बाद वापिस आ गए। हाँ भाई नियामत, हाँ महाराज जी सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ महाराज जी बड़े कृपा नाल सब कुछ ठीक है। और कोई सुना कि महाराज जी बड़े कृपा नाल साढ़े मकान का छत ढह गया, ढोर खोती ना साढ़े कृपा नाल असि मकान मकान दी छत ढहानू कृपा कर दे चल खोती है, क्योंकि प्रभु ने कह रखा था जो कहूँ सत बचन सत बचन। हाँ जी थोड़ी कृपा, थोड़ी कृपा सत बचन। तो ऐसा सब बोले बोले भगत हमारे प्रभु जी के, तो कहते गुरुआ मकान ढान वे कृपा कर देने और को दिए ऐसा ठीक है खड़ा रहा। तो कहने का भाव है कि गुरु की तो बात ही क्या है। तो आइए आप असली टॉपिक में आए। महाराज जी कहते हैं, फरमाते हैं, दूसरों में पाप हो तो भी वे घृणा का पात्र नहीं है, क्योंकि जब तक अपने आप में पाप है हमें तब तक उस पाप से घृणा करना है, तो हम दूसरों से क्या घृणा कर पाएंगे। और जब हम निष्पाप हो गए, जब हमारे अंदर पाप खत्म हो गई, तो हमारे अंदर घृणा वृत्ति भी खत्म हो गई, बुरे विचार भी खत्म हो गए। जब हमारे अंदर बुरे विचार खत्म हो गए तो हम दूसरे के बुराई को कैसे देख सकते हैं, दूसरे से घृणा कैसे कर सकते हैं। कहता है कि अपने मन को दर्पण जानो। गुरु गीता में लिखा हुआ है उस दर्पण में स्व प्रतिमा पहचानो, गुरु के ज्ञान को दर्पण जानो, उस दर्पण में स्व प्रतिमा पहचानो। जब आपका मन का शीशा साफ होगा तो आपको अपनी छवि बड़ी साफ नजर आएगी। मन का शीशा साफ का मतलब आपके अंदर से कुविचार, गंदे विचार, गलत विचार सब खत्म हो जाएंगे। कहते विचारों से इंसान कर्म करता है, विचार नीच होंगे बंदा पाप कर्म करेंगे। जो आपने अपने विचारों को धो लिया निष्पाप हो गए, गलत कर्म आपसे होंगी नहीं। जब आप निष्पाप हो गए तो आपको किसका पाप नजर आएगा। कहते हैं कि महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही, जैसे सृष्टि जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। इधर आ देख, तेरे को मैं वो ना काला काला चश्मा क्या होता है, मैं क्या हमारे जी वो गोगल्स कहते हैं उसको, कहते हाँ गूगल गूगल गूगल, कहते गोगल्स कहते हैं उसको, अच्छा गूगल गूगल ठीक है। कहते जब तेरे को काला गूगल पहनाएंगे ना क्या नजर आएगा तेरे को, हमारी काला नजर आएगा, लाल पहना दो तो लाल। कहते जब चश्मा जैसे रंग का पहना देते हैं बंदे को सारा संसार वैसे दिखता है। इसीलिए कहा गया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपका मन विचार जैसे होते हैं आप ऐसे ही बना ले तुमने सृष्टि को। तो कहते हैं कि संसार में भला बुरा कोई नहीं, सब अच्छे हैं, भगवान की सृष्टि है सब अच्छी है, भगवान खुद ही अच्छा है। जो अच्छा है तो अच्छी चीज पैदा करेगा, वो हमारे विचार गलत होते हैं, हमारी भावनाएं गलत होती है, तो हमें इसलिए कोई भी बुरा नजर आता है। एक ही व्यक्ति उसको कोई अच्छा कहता है, कोई बहुत अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई बहुत